आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। बट जॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से बट जॉइंट को रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है ये जानेंगे। जैसे कि हम लोग इस फिगर में देखें, आइसोमेट्रिक व्यू में यहाँ पर दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इन प्लेटों को जोड़ना है। हम जानते हैं बट जॉइंट इस टाइप से बनता है, जब दो प्लेटों को आपस में टक्कर लगा रखा रहता है तो वो बट जॉइंट होता है। तो बट जॉइंट को हम लोग केवल दोनों प्लेटों को रिवेट के माध्यम से नहीं जोड़ सकते हैं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग कवर प्लेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें नीचे, तो यहाँ पर प्लेट, एक प्लेट यहाँ पर है, दूसरी प्लेट यहाँ पर है। इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए ऊपर एक और प्लेट लगाई गई है, जिसमें होल करके और बेस प्लेट मेन प्लेट में भी होल करके आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसमें बट जॉइंट, जब कभी भी बट जॉइंट आएगा तो उसमें हम लोगों को कवर प्लेट यूज़ करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें जो है, इस वाले जॉइंट जो हम लोग बनाया जाए, इसमें सिंगल कवर प्लेट यूज़ किया गया है। सिंगल कवर प्लेट यानी केवल ऊपर की तरफ कवर प्लेट लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ और नहीं होगा, बस नीचे भी एक प्लेट लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। तो यहाँ पर बट जॉइंट है और सिंगल प्लेट लगा हुआ, सिंगल कवर प्लेट लगा हुआ है, और इसका हम लोग को ड्राइंग बनाना है। जैसे कि इसमें आइसोमेट्रिक व्यू में देखें तो ये चैन टाइप का है और थर्ड एंगल में बनाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे दो प्लेटें हैं, एक प्लेट यहाँ पे, दूसरी प्लेट यहाँ पे, और उसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा हुआ है और उसमें जो है रिवेट्स लगे हुए हैं। तो इसका फ्रंट भी ये है जिसमें कि दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर, दोनों आपस में बट जॉइंट में रखा गया है। ऊपर एक कवर प्लेट लगाया गया है और इस ड्राइंग को बनाया गया है। तो इसमें ध्यान देना क्या है, इसमें हम डायमेंशन देखेंगे क्या क्या डायमेंशन नहीं आ रही हैं। सबसे पहले हम जो मान के निकालते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं इसका, वो हम लोग टी मान लेते हैं। प्लेट की थिकनेस जो है, जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस वो 9 mm है। ठीक है, जब 9 mm थिकनेस होगा तो डी निकालेंगे हम लोग। तो डी निकालना हम लोग सीख चुके हैं, इस प्रकार से निकलता है डी, तो टाइम हो जाएगा और 6 3 मतलब कि 18 mm जो है डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी जो भी दिया हो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से देखेंगे एक चीज़ और यहाँ पर दिया हुआ है, जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस होती है, अगर सिंगल है तो उसकी होगी 1.25 t। ठीक है, सिंगल कवर प्लेट लगा है तो उसकी थिकनेस होगी 1.25 t। अगर यही डबल होता तब टी सी की वैल्यू हो जाती 0.8 t, लेकिन यहाँ पर सिंगल प्लेट है तो सिंगल की बात करें तो 1.25 × 9 mm लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा कवर प्लेट थोड़ी सी, अगर सिंगल कवर प्लेट है थोड़ी सी मेन प्लेट से मोटी होगी, अगर डबल है तो मेन प्लेट से थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आती है 11.25 mm। ठीक है, जो टी सी यानी कवर प्लेट जो यूज हो रहा है वो उसकी मोटाई इतनी हो जाएगी। ठीक, उसके अलावा मार्जिन हम लोग जानते हैं कि मार्जिन 1.5 d होता है, 1.5 × 18, तो ये हमारा हो जाएगा 27 mm। और जो बैक पीच है वो यहाँ पे हो जाएगा 3 d, बट बैंड के केस में हो जाएगा 3 d, और 3 d कितना होता है 3 × 18, ये हो जाएगा 54 mm। इसके अलावा पिच भी होता है हमारा 3 d, वो भी हमारा हो जाएगा 54 mm, और किसी डायमेंशन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो आइए इसे ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे और उसके बाद से टॉप व्यू बनाएंगे। ओके, यहाँ से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, और इसे सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे फोल्ड करते हैं, क्योंकि हमें इसी का काम है और वो आइसोमेट्रिक व्यू क्यों हमारे पास जो समझने के लिए था। ठीक है, ये फोल्ड हो गया, अब इसे साइड में रखते हैं और यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, इस तरीके से एक लाइन खींच लिए, और ध्यान क्या देना है कि इसमें जो 10 डिग्री का इंक्लाइन है वो कवर प्लेट में रहेगा, बेस प्लेट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच लिए, उसके बाद से हम लोग एक सेंटर लाइन, इस तरह से जो रिवेट है उसका एक सेंटर लाइन इस तरीके से हम लोग खींच लेंगे। ठीक, जो कि ये वाली लाइन है। अब इसके बाद से हम लोग को मार्जिन लेना है, मार्जिन है 1.5 d, जो कि हम लोग का आया है 27 mm। तो 27 mm यहाँ से हम लोग मार्क कर लेंगे, यहाँ पे आ रहा है
और उसके बाद से उसका बैक पीस लेंगे तो कितना आया था 54 mm, तो 54 mm यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरे वाले रिवेट का सेंटर खींच लेते हैं। ये हमारा सेकंड रिवेट का सेंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन लेंगे जो कि 27 mm है, ठीक है। अब जो इस प्लेट की मोटाई आई है टीसी की, वो आई हम लोग की 11.25, तो हम लोग इसमें 11.25 तो ले नहीं पाएंगे, तो हम लोग 11 mm इस पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 11 mm और यहाँ पर 11 mm मार्क करके, और इसको हम लोग खींचते हैं जहाँ तक इसके पॉइंट को बनाया गया है। इस तरीके से हम लोग उसे थोड़ा पहले रोक लेंगे क्योंकि इसको थोड़ा इंक्लाइंड भी दिखाना है हम लोग को। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा मिला देना है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब इसे इंक्लाइंड करना है। इंक्लाइंड कितना होगा, ये होगा हमारा 10 डिग्री। 10 डिग्री को हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके 10 डिग्री खींचेंगे, अब क्या करना है यहाँ पे इसे प्रोटेक्टर को रख करके इस तरीके से ये 90 और यहाँ 80 पे लगा लेंगे, और यहाँ पे धन 90 और यहाँ 80 पे लगा लेंगे, ठीक है। अब इसे इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए इसे यहाँ तक मिला लेना है, और यही काम यहाँ भी करना है। ये हो गया हमारा कवर प्लेट बन गया। अब नीचे का बनाना है मेन प्लेट। मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है, 9 mm जो कि हम लोगों ने ली थी। तब यहाँ पे 9 mm पे मार्क कर लेना है, और यहाँ पे 9 mm पे मार्क कर लेना है। इसकी लंबाई हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार ले लेंगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं लेना है, इसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। यहाँ है तो बस यहाँ तक इसको हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसके बीच में एकदम बीचों बीच क्या करेंगे, इसके 20, अगर ये 54 है तो 27 पे इसको मार्क करेंगे, और इसको हाफ में, ये हो गया 27, और यहाँ पे इसको बट जॉइंट में दिखा देंगे कि यहाँ पे बट जॉइंट बना हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे मिला दिया जाएगा। ये हम लोग का नीचे का प्लेट बन के आ गया, जैसे कि इसमें दिखाया गया। अब हमें रिवेट बनाना है, तो रिवेट का डायमीटर कितना लेके आए थे हम लोग, रिवेट का डायमीटर हम लोग लेके आए थे 18 mm। तो हम लोग को करना क्या है इसमें, इसमें इस सेंटर से 9 mm इधर और 9 mm इधर, ठीक है। इसको हम लोग को क्लियर खींच लेना है, इस तरीके से खींच देना है, और इस तरीके से खींच देना, ठीक है। इसके बाद यही काम यहाँ भी करना है, 9 mm इधर और 9 mm इधर, इस तरीके से इसे खींच लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिवेट हेड बनाएंगे। तो रिवेट हेड कितने का होता है, ये हम लोगों ने पहले ही कहा है, रिवेट हेड हम लोग का 1.6D होता है। 1.6D की वैल्यू हम लोग की 18 आई हुई है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 28.8 आएगा, यानी जब हाफ करेंगे तो 14.4 आएगा। इसको हम लोग 14 mm लेके बनाएंगे, मतलब 14 mm का रेडियस लेकर के ये जो है सर्किल हम लोग बना लेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं ताकि सारे सर्किल को हम लोग एक साथ ड्रा करें। इसको देखिए, इसको ऊपर की तरफ हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं ताकि टॉप व्यू भी बन जाए। इसके ये हो गया, और इस बार लाइन को भी ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये हो गया ऊपर की तरफ। अब इसके पहले सेंटर को हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद से मान लीजिए कि पहले सेंटर को हम लोग यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। अब इस लाइन से पिच कितना है, पिच आया 3D की वैल्यू 54 mm है, तो 54 mm पर मार्क करेंगे, और दूसरा फिर 54 mm पर मार्क करेंगे यहाँ पे, तो तीनों को हमको मिल गया। अब यहाँ से हम लोग इसका सेंटर इस तरीके से खींच देंगे, इसका भी हम लोग यहाँ से खींच देंगे,
है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हेड बनाएंगे और सारे सेंटर पे सर्किल बनाएंगे, और सारे सर्किल बनाने पर अंदर वाला जो डॉटेड आया है जो कि सेक का सर्किल है, इसे भी हम लोग बना लेते हैं, तब आगे देखते हैं। इसे हम लोग फास्ट वे में बनाएंगे ताकि हमारा टाइम लॉस ना हो। आइए तब स्टार्ट करते हैं। पे हम लोगों ने हेड बनाया और साइकिल बनाया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने हैचिंग भी कर लिया। हैचिंग करने में आप लोगों को ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, जो कवर प्लेट होगा और जो दोनों मेन प्लेट होगा उनके हैचिंग का जो तरीका होगा वो तीनों का अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि इसमें इस तरीके से है और इसमें इस तरीके से है, तो तीनों के हैचिंग का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए ताकि ये मालूम चले कि यहाँ पर तीन प्लेट लगे हुए हैं। अगर एक ही जैसा कर देंगे तो ये मालूम चलेगा तीनों एक ही जैसे प्लेट हैं, ठीक है। ये नहीं करना है, हमें तीनों में अंतर रखना है, हैचिंग के तीनों में अंतर रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने ये काम कर लिया, इसके सर्किल ड्रा कर लिए और इसके हेड बना लिए, इसका हैचिंग कर लिया, अब मैक्सिमम काम खत्म हो गया है। अब करना क्या है, अगर हम इसको यहीं पर समझ लें तो देखिए क्या करना है, जो ऊपर का प्लेट है, जो लोग कवर प्लेट है, इसको जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी का प्रोजेक्शन लेकर के हमें ये वाली दोनों लाइनें, और इसी का प्रोजेक्शन लेकर के यहाँ का प्रोजेक्शन लेकर के हमें ये दोनों लाइनें जो हैं खींच लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये प्लेट कहाँ बना जाएगा, हम लोग ये इसका जो सेंटर आया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1.5 डिग्री लेकर चलते हैं, ठीक है, मार्जिन लेकर चलते हैं, यही चीज़ यहाँ पर भी लेकर चलते हैं। इसके बाद जब इसका जो इंड आया है, ये वाला जो इंड आया है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे, इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन से इस तरीके से दिखाते हुए ऊपर हम लोग मिला देंगे। ये भी काम हम लोग फटाफट कर लेते हैं। इसके बाद से हम लोग फाइनली इसका जो है सारे चीज़ डायमेंशन भी शो कर देंगे और ये हमारा ड्राइंग कम्प्लीट हो जाएगा। आइए इसे भी हम लोग फास्ट वे में देख लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ओके, ये ड्राइंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है, जैसा हम लोग को बनाना था हम लोगों ने बना लिया। आप इसे एक दो बार बनाएं, आपको अच्छी तरीके से बनाने आ जाएगा। देखिए ड्राइंग जो हमारी है एकदम सेम बनी हुई है, ठीक है। तो आप इसे दो से तीन बार कंप्लीट करें और इसका कैलकुलेशन जो है, इसका जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, इसको साइड में आप इसे ड्राइंग शीट पर लिखेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इसका मतलब ये छाप समझ जाएगा कि आपने किसी से कॉपी किया हुआ, किसी का देख के छाप लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये सारे वैल्यू जो है कैलकुलेशन साइड में दिखाना है, तब इसे बनाना है और सबकी डायमेंशन यहाँ डी के फॉर्म में शो करनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डबल कवर जब यूज़ किया जाएगा तब किस तरीके से ये ड्राइंग बनेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।